हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर नंबर हमारा है 17 और राउंड 8 है। लास्ट लेक्चर राउंड 7 था, जिसमें करवाया मैंने आपको इंडिकेटिव पार्ट ए और पार्ट बी। आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों, नरेशन डायरेक्ट इंडायरेक्ट का, वो है इम्पेरेटिव। इसकी मीनिंग क्या होता है? हुक्म देने वाले, हुक्म या जुमले, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्टेड, forbid, warn, ask, told, यानी ये इसमें लगते कमांड। पहचान क्या होती है? शुरुआत होता है ये वर्ब से। हम एक दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको, देखिए द एग्जाम्पल वन। ठीक है, लेक्चर को खास देख रहे हैं बच्चों, मैंने हर राउंड में राउंड का नाम दिया भाई। डायरेक्ट डायरेक्ट को राउंड 1 से लेकर राउंड मैं 8 तक लेकर आ चुका हूँ। देर आर 10 राउंड्स, ठीक है। 10 राउंड कर लिया आपने, आप पक्के 5 हो गए। बस शर्त है कि उसको अगर ऐसा आपने देखना है कॉन्सेप्टेड लेके, अगर आप सिर्फ रिव्यू करोगे तो नहीं होगा। एटलीस्ट यू हैव टू गिव टाइम इन योर लेक्चर। तो ये एग्जाम्पल, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन माई पेपर। अब शुरुआत हो रही है वर्ब से। अब जुमले में लगाते हैं क्या? इंपेरेटिव में कमांड लगाते हैं। कमांड हमारे पास क्या है? एक देख लें, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वॉर्न, फॉरबिडन यूज कर लेंगे, एफ ओ आर बी ए डी फॉर, और ई भी लगाते हैं। सम ब्रिटिश लगाते हैं ई, अमेरिकन में फॉरबिडन है विदाउट ई वाला। कमांडेड और छो, ये सब आपको लगाने होते हैं इस टाइप जुमले में। और एग्जांपल, ओपन द डोर नाउ, और देख लें, ठीक है, और देख लें, ठीक है। अब आप देख लें बच्चों, ये है एग्जाम्पल। सब में देखिए क्या हो रहा है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। इट स्टार्ट विद द वर्ब, हर में कमांड है। फर्स्ट लिखा हुआ है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन माय पेपर, बड़े मेहरबानी मेरी मदद करो मेरे पेपर में। शी सेड टू मी ओपन द डोर नाउ, ए गेट खोलो, ऑर्डर लगेगा। टीचर सेड टू मी रीड दिस बुक, इट्स गुड फॉर यू। यहाँ पर एडवाइस भी और सजेस्टेड भी है। एडवाइस मीन क्या होता है? नसीहत। सजेस्ट मीन क्या? मशवरा, मशवरा देना। सजेस्टेड, फादर सेड टू सन डोंट यूज माय मोबाइल, जहां डू नॉट आ जाए तो वो होता है बच्चों किसे फॉरबिड, मना कर रहे हैं।
और जब कमा जज साहब द जज सेड सेंड दिस कल्प्रिट टू जेल, इन मुजरिमों को कहाँ भेजे जाए, जेल में भेज दिए जाए। अब पहले कॉपी करने से बच्चों फटाफट गैप देखिए। नाउ सी कैसे बनेगा, ओके अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसके बाद एग्जांपल दूंगा बनाने। देखिए देखिए बच्चों, इंपेरेटिव में सेड टू करके वहां पर कमांड लगाएंगे जुमले को देखते हुए कि ये रिक्वेस्ट से बनेगा, ये ऑर्डर से बनेगा, एडवाइस से बनेगा, फॉरबेड से बनेगा। जुमले में क्या है कि प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो वहां आता रिक्वेस्टेड, क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। और इंपेरेटिव में जब ये कॉमा जब हटाते हैं, मैंने फर्स्ट राउंड में बताया था कि वहां टू लगाते हैं, दैट इफ नहीं आता तो टू से जोड़ देंगे। जब रिक्वेस्ट आ गया तो प्लेस नहीं आता, प्लेस खत्म। ये हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेम वर्ब को कॉपी कर देंगे, वर्ब कॉपी सेम, मी है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सन को याद कर लो आप लोग, सन को फर्स्ट पर्सन किसे होता है, सब्जेक्ट सेकंड, ऑब्जेक्ट थर्ड, नो चेंज। तो ऑफकोर्स मी फर्स्ट पर्सन है, जब मी फर्स्ट पर्सन है तो ऑफकोर्स कहाँ जाएगा, ये जाएगा सब्जेक्ट से मिलेगा, जब इससे मिलेगा तो यहाँ क्या आएगा, हेल्प हिम इन माय, कौन सा पर्सन है बच्चों बताएं, फर्स्ट पर्सन माय है, फर्स्ट कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट, दोबारा ये सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी हिज पेपर, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है, राउंड वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी, बहुत आसानी बच्चों। अब याद रखें, शी सेड टू हिम ओपन द डोर नाउ, ओपन द डोर नाउ, शी ऑर्डर हिम टू, ये आएगा टू आएगा, इंपेरेटिव में मिड मिड टू आता है, इफ दैट लगता नहीं है, ओपन कर दिया, कॉपी कुछ नहीं, द नाउ किसमें होता है, देन नाउ को देन कर दिया, ठीक है, इसमें प्रोनाउन था ही नहीं, सिर्फ और कमांड लगाया और नाउ को देन कर दिया और टू लगाया बस। टीचर सेड टू मी रीड दिस बुक इट्स गुड फॉर यू, टीचर सजेस्टेड, टू नहीं आएगा फॉर मी, बाकी मैं लिखेट ऑर्डर टू मी नहीं, ऑर्डर हिम नहीं, जब सजेस्ट आ जाए फॉर फॉर मी, ये हटेगा टू, रीड को रीड किया, रीड दिस कहाँ गया, दैट बुक इट्स गुड फॉर यू, कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर सेकेंड है, सेकेंड से मिलेगा ऑब्जेक्ट से, ये गया ये मी से मिलेगा, क्या बनेगा फॉर फिर मी, यानी कि फॉर मी होगा, ठीक है। बड़े अंदाज से बता रहा हूँ, आहिस्ते 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 राउंड वाइज से चल रहा हूँ, और हर लेक्चर में डिफाइन कर, अफर्मेटिव नेगेटिव एक लेक्चर में दिया, इंटरगेटिव एक लेक्चर में दिया, आज इंपेरेटिव दे रहा हूँ एक लेक्चर में, अगर मैं चाहूँ तो सबको एक दिन करवा दूँ तो आपका दिमाग उलझ जाएगा, सब मैसअप हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया राउंड वाइज, ठीक है। हम देखें फादर सेड टू सन, जब डू नॉट आ गया तो क्या आते हैं, फॉरबेड, फादर फॉरबेड, कुछ नहीं आएगा, सन्स टू, जब फॉरबेड आ गया बच्चों, जब फॉरबेड लगेगा तो डू नॉट हमारे ऐसे खत्म हो जाएगा,
उसके बाद क्या बचा भाई, यूज टू, यूज माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट है, किससे मिलेगा, सन से, सन कितने हैं, बहुत सर माशाल्लाह से, यूज देयर मोबाइल, देयर व्हाट्सएप, फादर फॉरबिड सन्स टू यूज देयर मोबाइल, ठीक है। अब देखें जज, जज आ जाए, गॉड आ जाए, ठीक है, पुलिस आ जाए, तो वो भी हुक्म दे रहे हैं बट उसमें कमांड करते हैं, उसमें कमांड जज के लिए, गॉड के लिए, पुलिस के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, अगर जुमला इंपरेटिव आ जाए तो वो उसमें ऑर्डर नहीं करेगा, वो आपको कमांड करे, कमांड, तो जज से सेंड इस कल्प्रिट टू जेल, द जज कमांडेड, कमांडेड टू सेंड, सेंड क्या, सेंड दिस के क्या हो गया, दोस्त कल कल कल्प्रिट टू, ये इसका आंसर है बच्चों। अब और से देखें इसको, स्क्रीनशॉट लेने इसकी, ताकि जूम करके इसको आप वन बाय वन देखें, क्योंकि तो इसके बाद मैं आपको दूंगा असाइनमेंट लिखने के लिए, आप कॉपी पैसे निकाल के सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मुझसे मैच करेंगे, अगर मेरे आंसर से आपका आंसर मैच कर गया तो वंडरफुल, और अगर नहीं मैच गया तो आप कहीं राउंड को आप मिस कर रहे हो, उस राउंड को फुलफिल करो ताकि आप कम बैक कर जाओ, कॉपी करें इसको फटाफट। कॉपी स्टूडेंट्स, नाउ मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इम्पेरेटिव नरेशन आसान उनके लिए बच्चों जिनके बेस स्ट्रांग है, प्रोनाउन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, सन क्या होता है, चेंजिंग किसे करते हैं, कब नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगा, मतलब परफेक्ट में, सिंपल फ्यूचर में तो टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीड अगर पास्ट टेंस में तो पूरा टेंस चेंज होता है, सब मैंने आपको राउंड में डिफरेंट राउंड्स में सिखाया हुआ है। आपका काम क्या, उनको ऐसा लुक ओवर करें, जब भी आप कंट्रोल में बनना रटोगे तो नहीं आएगा, सुनो अंडरस्टैंड करो और से, कुछ अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और डिस्कस विथ मी अबाउट रिगार्डिंग द लेक्चर, अपने ग्रुप नेम, नेम और सेक्शन वाइज आप सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों, अपनी प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे मत कर दें आप, अपने क्लास सेक्शन A1, A2, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर जो भी उस हवाले से मुझे आप मालूम देंगे तो मैं आपको ऑफकोर्स रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल, कॉपी निकालें और सॉल्व करें इसको।
ओके स्टूडेंट, देयर आर फोर एग्जांपल गिवन, कॉपी निकालें, सॉल्व 1 to 4, ताकि जब मैं आंसर लिखूं तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। लास्ट जो मैंने लिखवाया था अगर उसको फॉलो करेंगे तो आराम से बनेगा। ये टाइप ऑफ कौन सा है इंपेरेटिव? स्टार्ट वर्ब से हो रहा है, देखो वर्ब से, वर्ब प्रोनाउन चेंज करेंगे वही पुराना सन के फॉर्मूले से, एस ओ एन के ना, बस कमांड लगाना अपने, कौन सा कहाँ कमांड लगेगा, इसी कमांड है। किसमें ऑर्डर कर रहे हैं, किसमें मना कर रहे हैं, किसमें आपको एडवाइस दे रहे हैं, किसमें आपको कमांड कर रहे हैं। ये तमाम काम मैं चेक करूंगा बच्चों, मुझे सब याद है मैंने क्या क्या ग्रामर करवाया, सब रिक्वायरमेंट मेंटेन मेरे पास। जैसे ही क्लास होगी फिजिकल क्लासेस, मैं आप काम चेक करूंगा, अगर आप नहीं करोगे मुझे धोखे में दोगे तो आपको धोखे में रखोगे, तो आपका लॉस है। आप तमाम काम को अपडेट करें ताकि मैं जब क्लास फिजिकल स्टार्ट हो तो मैं वन बाई वन आके चेक करूँगा आप, हाँ भाई आप बताएं कि मैंने काम करवाया था, कहाँ है वो काम। उस वक्त आपने वो नहीं करना एक्सक्यूज सर आई फॉरगॉट इट, सीधे साथ साथ चलोगे, बेनिफिट्स फॉर यू। ये रिपीट नहीं होने वाला, ये नहीं कि फिजिकल में मैं आऊँगा दोबारा रिपीट करवाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ हो गई है इट्स इनफ, नेक्स्ट क्लास आगे लेक्चर बढ़ेंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि अभी ये भी करोगे फिर बाद में करवाऊँगा तो टाइम तो हमारा निकलेगा बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा, कोर्स बहुत बड़ा कोर्स हमारा। ओके अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखें इसको, ये देखिए अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो ऑफकोर्स एट क्या बनेगा, टाइप दैट, क्या आपका आंसर ऐसे ही बच्चों, चेक करें अपने कॉपी में ऐसे ही है, गुड जॉब यानी गुड गोइंग। नेक्स्ट पे आ जाओ, अली सेड टू हर डोंट कॉपी मी, डू नॉट, आ गया अली फॉरबेड, फॉरबेड हर, जब फॉरबेड आ गया ये हमारा गया, उसके बाद क्या है, टू कॉपी मी फर्स्ट है, सॉरी कॉपी हिम, ऐसा ही है बच्चों। अगर ऐसा है तो वेल डन। नेक्स्ट है, डॉक्टर से टू मी वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने एडवाइस करना है, द डॉक्टर एडवाइस मी टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, आसान तरीन, नो प्रोनाउन आर देयर, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल हमने ये कमांड लगाया तो उसे जोड़ा और जुमले को कॉपी कर लिया, आसान है बच्चों, जरा दिमाग लगाएं, इट्स वेरी इजी फॉर यू। लास्ट है, द पुलिस मैन से टू हर, पुलिस मैन आ गया तो क्या है, अतः कमांडेड, वो आपको हुक्म करेगा, पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि पैसे ले छोड़ देगा आपसे, ये बाहरी पुलिस है, वो आपको कहा भाई डॉक्यूमेंट दिखाएं वरना आपको रिश्वत नहीं, यहाँ जहाँ मांगते हैं पुलिस का डॉक्यूमेंट दो, निकाला 50 रुपये थमा दिया, जब जा पता हाफिज, ये बाहरी पुलिस है। द पुलिस मैन कमांडेड हर टू शो मी फर्स्ट है, इससे मिलेगा शो हिम योर सेकेंड है, कहाँ गया योर सेकेंड है, किसे मिलेगा हर से, शो हिम हर अगर ऐसा आपका आंसर है बच्चों तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा ग्रामर जो है वो आस्ते आस्ते एंडिंग में जा रहा है हमारा, राउंड 8 तक पहुँचा दी मैंने आपको, हर को आपके पास राउंड इसलिए बताया मैंने ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, राउंड 1 में क्या था, राउंड 2 में क्या था, इस लेक्चर को आगे बढ़ रहा हमारा, ये राउंड वाइज में चला आ रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि राउंड 8 में क्या बातें बताई, कौन सा लेक्चर दिया मैंने, तमाम वीडियो को आप लोगों ने बार बार रिवाइज करना है,
ये आज का था बच्चों राउंड हमारा 8, लेक्चर नंबर 17, योर डायगन डायरेक्ट टाइप था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब रिमेनिंग बचे हमारे पास दो, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊंगा। अब आज अगर आपने ऐसा बनाया हुआ है इसको देखें, अगर नहीं बनाया हुआ है जूम करके इसको पिक लें, इसकी स्क्रीन शॉट लें और जूम करके देखें उसको, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है बच्चों, तब तक याद दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।